सॉरी स्टूडेंट, वो बीच में कॉल आ गया था तभी हम आगे की क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप ये देखो, ये नीचे का जो टर्म है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे में टेन थीटा माइनस वन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो टर्म है ना टेन थीटा माइनस वन और यहाँ क्या है वन माइनस टेन थीटा, तो अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये क्या होगा, वापस यही आ जाएगा टेन थीटा माइनस वन आ जाएगा। तो क्या करोगे आप, इसको ये माइनस जो है वो कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा माइनस वन हो जाएगा। ओके, अब आप कहोगे इससे फायदा क्या है, फायदा ये है कि हमारे टर्म सेम हो रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा एलसीएम जो है वो आसान हो जाएगा। तो टेन थीटा माइनस वन और ये टेन थीटा, ये माइनस साइन जो है इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो गया टेन क्यूब थीटा और माइनस वन। ओके, अब देखो आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यू माइनस बी क्यू, आप इसे क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हो ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा माइनस वन और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू वन और प्लस वन का स्क्वायर। अब नीचे में तो ये एज इट इज ही रहेगा, टेन थीटा माइनस वन और टेन थीटा। तो अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो गए, हो गया। अब आप इसको लिखोगे, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो देखो क्या बच रहा है आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, अब वन का स्क्वायर वन ही होता है और अपॉन में क्या है टेन थीटा। अब आप इंडिविजुअली इनको डिवाइड करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया बना गया। तो ये लिखोगे टेन थीटा, इसका इससे कैंसिल हो गया टेन थीटा प्लस वन प्लस कॉट थीटा। ठीक, अब देखो आर एच एस वैल्यू की हमारी सिर्फ वन मैच हो रही है, ये वैल्यू तो हमारी मैच ही नहीं हो रही है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसमें हम इसको बेसिक टर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस ये पूरी वैल्यू वन आ गई और वन बाई कॉस थीटा इंटू वन बाई साइन थीटा, तो ये वैल्यू क्या होगा, वन प्लस वन बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है और वन बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो ये क्या आ गया, आर एच एस आ गया। इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इस फॉर्म में करने से फिर भी ये थोड़ा दो चार लाइन तो छोटा हो ही जाएगा। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एलएचएस जो है वन प्लस सेक बाई वन बाई सॉरी बाई सेक। अब देखो आरएचएस में जो है वो क्या है, साइन है कॉस है, यानी कि बेसिक टर्म में हमें चेंज करना है, तो वन प्लस वन बाई कॉस अब प्लस वन बाई कॉस। अब आप इसको एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा, कॉस ए अब कॉस ए प्लस वन, अब ये तो वन बाई कॉस ए ही है तो ये रेसिप्रोकल होगी, क्या हो जाएगा कॉस ए बाई वन हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई कॉस ए प्लस वन। अब देखो ये पूरा का पूरा हमारा बेसिक टर्म में चेंज हो गया, लेकिन अभी भी ये हमारा आर एच एस वैल्यू नहीं आई है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, आर एच एस को लेके भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आर एच एस साइन स्क्वायर ए बाई वन माइनस कॉस। अब आप इसको करोगे तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और वन माइनस कॉस। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है, यानी वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए और अपॉन में वन माइनस कॉस।
तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 + cos। अब देखो जो LHS को सॉल्व करके हम लाए वही हमारा RHS में सॉल्व हो के आ गया, यानी कि LHS इक्वल RHS। वैसे आप एक्सरसाइज में भी देखेंगे इस क्वेश्चन में हिंट में लिखा हुआ है कि सॉल्व LHS एंड RHS सेपरेटली, तो उसका यही मतलब होता है कि जब आप LHS को सॉल्व करते हो करते करते हुए एक टर्म ऐसा आ जाता है कि इसके आगे आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आपको RHS लेके भी सॉल्व करना होता है और बीच का कोई एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हो कि LHS में सारे बेसिक टर्म है और RHS में क्या है, बेसिक टर्म नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे इसको करने का तरीका अलग होता है, ऐसे क्वेश्चन जो है दो ही है, एक एक्सरसाइज में है और एक एग्जांपल में भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, या तो साइन से डिवाइड करते हैं या कॉस से डिवाइड करते हैं सारे टर्म्स को। ओके, 30 क्वेश्चन में हम किस से डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो कॉस ए बाई साइन माइनस साइन ए बाई साइन प्लस 1/sin, फिर नीचे में भी वैसे ही हो गया cos a by sin प्लस sin a by sin माइनस 1/sin। तो ये क्या आ जाएगा, cos a by sin a cot a होता है और sin a by sin a तो 1 होता है, प्लस कॉस। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉट ए प्लस 1 - कॉस। और कुछ कुछ हमें लग रहा है कि ये RHS वैल्यू जैसे भी आ रही है, तो हम इसे थोड़ा अरेंज करेंगे। क्या लिखेंगे इसे, कॉट ए प्लस कॉस माइनस ये 1 जो है इसमें हम ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसे हम आइडेंटिटी ही रखेंगे तो 1 - कॉसिक ए प्लस कॉट ए, बस इस तरह से अरेंज कर दिया है। आप इसे नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, अरेंज जरूरी नहीं कि आप इसी से करें। तो अब देखो यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉस ए और ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जो आइडेंटिटी लगाते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो ए प्लस बी तो यहाँ पे है ही ना कॉमन, कॉट ए प्लस कॉस ए, तो उसे हम कॉमन ले लेंगे। ओके, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 1 बचेगा, इस पूरे से 1 बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा कॉस ए के माइनस कॉट ए, और ये माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस ए के प्लस कॉट ए। ठीक, और ये तो है 1 - कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो ये आप देख रहे हो कि ये नीचे ऊपर की वैल्यू सेम आ गई, तो इसे कैंसिल कर देंगे और इक्वल में आ गया कॉस ए के प्लस कॉट ए, और ये है RHS वैल्यू, इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया। ओके बच्चों, तो ये मैंने एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट 4th पार्ट और 5th पार्ट 3 क्वेश्चन किए हैं, और आगे का क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। ओके।